हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम युवराज। आई एम अदिति। और आज हम लोग एक नए ट्रेलर पर रिएक्ट करने वाले हैं। आज ही आया ट्रेलर का नाम है, मूवी का नाम है श्रीकांत। ऑफिशियल ट्रेलर है ये। राजकुमार राव है इसके अंदर, ज्योतिका और अलाया। भाई अलाया जो बंदी है ये आ रही है अब दोबारा। पहले हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ में देख रहे थे, अब इस मूवी में भी है, तो बढ़िया है भाई। और टी सीरीज की मूवी है, देखते हैं कैसा ट्रेलर है, क्या है मूवी में। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या जॉनर है, क्या है क्या नहीं है, अंदर देख के पता चलेगा। हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अरे नाइस यार, मतलब एक्टिंग तो अच्छी कर रहा है। नेम यंग मैन। सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। तो भाग जाता ना वहाँ से। कहाँ भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। ब्लाइंड है। लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा वाह यार। एंड आवर न्यू हेड बॉय इज श्रीकांत। हेड बॉय 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे। श्रीकांत एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? फिजिकली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। और किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत। तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT, सबके बारे में पता है मुझे। Sir, visually impaired person cannot travel alone in the flight. आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत important है। मेरा MIT में admission हुआ है। I cannot let you fly alone. Sir, I need you, of course. I need your help. Excuse me, please, please help me. Sir, आप please इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा admission नहीं होगा पढ़ना। Someone please help me. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है। हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। भैया अंधा के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। सही बात है भाई, पैसे नहीं देने आपको। और भाई राजकुमार राव खतरनाक, मजा आ गया। मतलब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो था भाई, रोंगटे खड़े हुए मेरे तो यार। मतलब ये एक मीनिंगफुल मूवी है जो आ रही है, थोड़ा टाइम बाद देखने को मिल रही है और मजा आने वाला है भाई। शुरुआत से लेकर एंड तक एवरी पीस, एवरी सेकंड ऑफ द ट्रेलर वाज लाइक कि हाँ भाई कुछ तो बात होगी इस मूवी के अंदर। हमें APJ अब्दुल कलाम देखने को मिले, इस बंदे का विजन देखने को मिला। थोड़ी सी अलग बात है वो, गायक कैन सी हैज अ विजन, ओके, बट मजेदार था भाई। और जो साथ में सपोर्टिंग, वो शायद मदर है या फिर सिस्टर है, वो कौन है बंदी, वो सॉरी टीचर है वो बंदी, अभी शैतान में आई थी। और शैतान का मुझे समझ नहीं आया कि भाई वो इतनी क्यों चली मूवी, बट एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है। बट यार ये तो कुछ तो खतरनाक था भाई। और जिस तरीके से राजकुमार राव उस कैरेक्टर में घुसे हुए हैं, और मुझे लग नहीं रहा कि वो राजकुमार राव है। मुझे एक्चुअली लगा कि ये जो मूवी में जो बंदा है ये एक्चुअली मतलब वो देख नहीं सकता या जो भी, वो एक्टिंग लगी नहीं रही, वो एकदम रियल लग रहा है।
और साथ में वो है शरद केलकर, जिनकी आवाज तो इतनी बेहतरीन है, उनको एक्टिंग भी अच्छी आती है, तो उनको भी मतलब देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से उनका जो रोल है मूवी के अंदर वो चलता है, इनके साथ रहेंगे वो राजकुमार राव के साथ। और खतरनाक चीज है यार, मतलब मजा आया ट्रेलर देख के और मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। जो आजकल मूवीज आ रही है उनसे काफी अलग है और बेहतरीन भी है, और एक्टिंग मास्टरपीस होगी ये, क्योंकि ट्रेलर में जितना देख रहा है बेहतरीन है। बस ये ना हो कि देखो एक आपको लेवल अचीव करना होता है किसी भी, अगर आप कैरेक्टर को का रोल प्ले कर रहे हो तो उस लेवल को के ऊपर मत जाओ। जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जो रोल था आमिर खान का उसमें लाल सिंह चड्ढा में, वो ज्यादा हो गया था कि मैं अब जैसे ये है इनको जो आई मूवमेंट है वो एक्यूरेट रखना है, उसको एग्जैजरेट नहीं करना है कि जबरदस्ती मजाक बन जाए उसका, उस कैरेक्टर का मजाक बन जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक लग रही है ठीक है, बट पूरी मूवी देखेंगे तब समझ आएगा कि उसको लेवल पे किया है या फिर एग्जैजरेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को जो मेंटेन करना। तो भाई देखते हैं, मजा आएगा भाई, और बहुत अच्छा लगा इस ट्रेलर को देख के। अच्छा हुआ मैंने खोल लिया ये, और हाइप नहीं है कोई, मतलब नहीं कुछ भी नहीं है, बनेगी इसकी हाइप, लोग देखेंगे तो मजा आएगा। और जो हीरा नंदानी है डायरेक्टर, इसके तुषार अच्छा काम किया है ट्रेलर में, तो राजकुमार राव के करियर में पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें उनको अपना इतना अच्छा मतलब एक्टिंग स्किल उनका बाहर आएगा, वो दिखाने की मौका मिलेगा उनको। मतलब ये वाला जो फील्ड है हल्का सा हमें और एक्सप्लोर करने को अभी दिख रहा है, पहले न्यूटन थी और वैसी मूवीज थी जिसमें काम किया था, वैसे मतलब मौज मस्ती वाला रोल तो करते रहते हैं वो, बहुत खतरनाक करते हैं कॉमेडी, तो बट ये लगता है देखते हैं कैसा रहेगा। आप बताओ आपके क्या ख्याल है ट्रेलर के बारे में, हमें तो मजा आया देख के, सरप्राइजिंगली मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट अलग है भाई, श्रीकांत वेल डन। और अब मूवी की तरफ आगे बढ़ेंगे, गाने भी आएंगे वो भी सुनेंगे। आप बताओ आपको कैसा लगता है, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई एम युवराज, आई एम अदिति, जय हिंद, बाय बाय।